ओम शांति। हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं, वो सुखदाता की संतान हैं, वो भाग्य विधाता की संतान हैं, जो सुख के अधिकारी, शांति के अधिकारी, आनंद के अधिकारी हैं। इस संसार में मानव ऐसा है जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अनुभूति वो आत्मा करती है। प्रकृति, पशु, पंछी, प्राणी, लेकिन मानव की आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। ये धरती की शुरुआत जब से हुई, आप सोचिए, दुनिया जब से शुरू हुई है, मनुष्य अपने कर्मों से ही फल पाता है और उसका स्वधर्म जो है सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, वो कभी भी इन चीजों से दूर नहीं रह सकता। आज भी देखिए, आप कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो कभी भी बीमार रहना नहीं चाहता है, क्योंकि दवाई खाता है क्योंकि जल्दी वो ठीक हो जाए। किसी को हॉस्पिटल में डाल दो, वो जल्दी से जल्दी चाहता है मैं घर में जाऊं, अपने परिवार से मिलूं, थोड़ा सुख, शांति, आनंद, खाना पीना, जो भी है मन में जो भी भाव आता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा अंधेरे में या दुख में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका स्वधर्म है सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। आप सोचिए हमारी दुनिया कैसी थी, सुखमय, आनंदमय, जहां प्रकृति भी हरी भरी, इतनी शांतिमय, एक दूसरे से कोई बैर भाव नहीं था, हमेशा सुख, शांति, आनंद से जीवन कटता था, जहां किसी भी प्रकार की कोई भी चीज, वस्तु, वैभव, धन दौलत, कुछ भी कमी नहीं था। लेकिन आज हमने अपने कर्मों के कारण उसको खो दिए, अब उसको फिर से प्राप्त करना है। लेकिन कर्म को अगर नहीं सुधारते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अंधेरे में भटकना नहीं चाहता है। अगर अंधेरे में उसको रख दिया जाए, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं अंधेरे में हूं, फिर भी वो रह नहीं सकता है। आज संसार की हम हर व्यक्ति के बारे में कहेंगे, ऐसे ही, ये दुनिया तो ऐसे ही है। ऐसे नहीं है कि जहां इस प्रकार की दुख का वातावरण, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, या स्वतंत्रता नहीं है, या हम इतने दुख भोग रहे हैं बीमारियों में, कितनी तकलीफों में, कष्ट हो रहा है, किसी से बात करना मुश्किल है, वो चीज नहीं है। तभी तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये चीज ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल स्वतंत्र हमारी सुख, शांति, आनंद, पवित्रता है। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक राजा, वो बहुत ही धनवान और बहुत ही खुशनसीब था और सभी सुख शांति से रहते थे। लेकिन जब हमारे कर्म बिगड़ जाता है तब कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक बार उस राज्य में एक ज्योतिष आया और उस ज्योतिष जैसे या पूरा राज्य में चारों तरफ बात फैलने लगी कि वो ज्योतिष अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में और प्रेजेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। तो राजा की अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि भाई मुझे भी जानना जरूरी है। तो उस ज्योतिष को बुलाया गया राज दरबार में और राजा के हाथ देखा उसने। हाथ देखते ही, रेखा ही देखते ही सब कुछ बोल दिया उसने कि राजा तुम इतने धनवान हो, तुम सुखी हो, तुम्हारे पिछले ऐसा था, आगे भी ऐसा होगा। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन खुश होने के साथ साथ उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, ये कैसे बोल सकता है। लेकिन फिर भी राजा ने उस समय उस ज्योतिष को बहुत उपहार दिए और सम्मान के साथ खाना वाना, साथ में भोजन भी करवाया। फिर उसके बाद एक दो दिन के बाद उसको जाना था,
ज्योतिष को विदाई लेनी थी, लेकिन राजा ने कहा ज्योतिष को मुझे और एक व्यक्ति का हाथ दिखाना है आपको। ज्योतिष ने कहा बुलाइए। राजा ने मंत्री को कान में कुछ चुप चुप के बात कही। मंत्री जाके एक व्यक्ति को लेके आया। दिख तो रहा था राजकुमार, सिर पे गले में सोने में हार, सिर पे मुकुट, और उसकी स्टाइल भी ऐसी थी थोड़ी कि राजकुमार लगता था। ज्योतिष ने देखा उसके हाथ, देखते ही कहा ये तो बहुत गरीब आदमी है, पेड़ के नीचे इसको झोपड़ी भी ठीक से नसीब नहीं होता है और आगे भी नहीं होगा। इसका पिछले जन्म का जो कर्म है अभी तक भी बहुत दुख बहुत भारी पड़ रहा है, अगर अभी वो श्रेष्ठ कर सकता है कुछ हो सकता है। तो राजा ने कहा ज्योतिष को आपने सही कहा, ये राजकुमार नहीं है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं अगले बार जब आप आएंगे आपकी बात जो आप कह रहे हैं मैं अपने काबिलियत से बोल रहा हूं कि इसको मैं बना के छोड़ूंगा, गरीब नहीं रहेगा ये। मुझे तो नहीं लगता है ये 5 साल के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल, ये 5 साल अगर वो अच्छा कर्म करता है 5 साल के बाद कुछ हो सकता है, लेकिन 5 साल के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। बोला आप अगले साल आइए ना, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अगले साल के आप 2 महीने के बाद आइए, देखिए। ठीक है, ज्योतिष ने विदाई लेके चला गया। राजा के मन में रात भर दिन भर संकल्प चलेगा क्या किया जाए। दूसरे दिन उसके पड़ोसी राज्य में एक पत्र भेजा और उसी व्यक्ति जो व्यक्ति गार्डन में पानी देता था उसी को उसने राजकुमार बना के लाया था, और वो पेड़ के नीचे रहता था झोपड़ी बना के। एक काम करो, ये जो पड़ोसी राज्य है वहां जाके पत्र दे के आना, बोलना मैंने दिया है। उसने जी महाराज करके लेके चला गया। रास्ते में चल पड़ा, चलते 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 शाम हो गई। आधी रास्ता चला था, शाम हो गई, और भी आधी रास्ता बाकी था। इतने में ही वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है क्योंकि चलते चलते थक जाता है। इतने में से देखता है दूर से कोई आ रहा है, उसकी पहचान वाला कोई है, और नजदीक जब आया तो उसको लगा ये तो मेरा दोस्त है। उसने बोला भाई नौकरी करते हुए 10 साल हो गया और राजा मुझे कोई उपहार भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, और ऊपर से देखो मैं गार्डन में पानी देता था, ठीक था, बगीचा में माली था, अब मुझे पत्र लेने देन के काम करवा रहे हैं, कोई बात। तो उसका दोस्त उसने सुन के अरे वाह तुझे पत्र लेन देन की काम करवा रहे हैं राजा, ये तो बड़ी अच्छी बात, ये अगर भाग्य मेरा होता कितना खुशनसीब मुनासिब होता मेरा जीवन। इतना सुनते ही कहा अच्छा तो भी तू मेरे दोस्त की खातिर ये ले पत्र ले और दे दे वो राजा को, यहाँ पास में हमारी बंधु है उनके पास जाके मैं रेस्ट करता हूँ आज रात को, कल मैं लौट जाऊंगा, तब तक तुम पत्र दे देना। तो उसने कहा ठीक है भाई, वो पत्र लेके गया। इसने जाके अपने बंधु के घर में रेस्ट किया। जैसे पत्र लेके देता है पत्र खोलते ही पढ़ते हैं राजा, राजा ये पत्र में लिखते हैं कि ये मेरा बेटा जैसा है, बहुत काबिलियत है इसके अंदर, ये राजकुमार जैसा है, इसको बहुत सारे धन देना, बहुत सारी सोना देना और 50 एकड़ जमीन दे देना, और हो सके तो राजकुमारी को इसके साथ विवाह कर देना। राजा उस पड़ोसी राजा के इतना घनिष्ठता था तो उसने बड़ा भावुक होके सब कुछ उसके लिए किया, उपहार भी दिया, सब कुछ किया, और उसकी बेटी को शादी करवाने की दिन भी तय करके। मान ली दूसरे दिन लौट के आता है, आते ही फिर जाता है बगीचा में पानी देने के लिए, तो राजा अपने महल से देखते हैं माली फिर से पानी दे रहा है। उसने आके पूछा भाई तुझे जो पत्र दिया था तुमने क्या किया। उसने बोला ये पत्र तो मैंने पहुंचा दिया। बोला कैसे पहुंचाया। राजा ने कुछ नहीं बोला। नहीं एक्चुअली राजा जी क्या हुआ, मैं बहुत थक गया था, मेरा दोस्त था उसको मैंने कहा भाई मैं थक गया हूं और तुम ये पत्र लेके दे दो, तो उसने मेरा काम कर दिया। राजा को तो बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आते ही, लेकिन राजा ने कुछ कहा नहीं, मन ही मन सोचा शायद एक बार गलती हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। बोला एक काम करना,
पानी देने के बाद तुम मेरे महल में आना। जैसे महल में आया उसने बोला, ले ये तरबूज खा लेना, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत किया है, चलो ये तरबूज खा लेना। राजा के पास से वो तरबूज लिया और चल पड़ा, क्योंकि राजा उसमें क्या किए थे, उस तरबूज के अंदर बहुत सारे हीरे रख दिए थे, ताकि हीरे वो लेगा देखेगा तो धनवान बन जाएगा। वो व्यक्ति तरबूज लेके चल पड़ा, रास्ते में वैसे ही एक दूसरा दोस्त मिला, उसने बोला, भाई कहाँ जा रहे हो? बोला, घर जा रहा हूँ, राजा आज खुश प्रसन्न होके मुझे तरबूज दिए। अरे कुछ उपहार दे देते, कुछ और चीज दे देते, कुछ कपड़े दे देते, ये तरबूज और इतना बड़ा तरबूज मैं क्यों खाऊंगा। उसका जो दोस्त था उसने देखा, उसने बोला, वाह राजा जी ने तरबूज दिया, अगर हमारी किस्मत में ये तरबूज होती कितनी अच्छी बात होती। इसने कहा, अच्छा किस्मत की बात कर रहा, ले ना फिर ये तरबूज खा लेना तुम, मेरे को तो वैसे ही भूख नहीं है और तरबूज का कोई मुझे लालच थोड़ी है, ले जा तुम खा लेना अपने घर में, बच्चों को खिला देना। वो तरबूज उसको दे दिया, घर में चल पड़ा। घर में गया, पहला दिन दूसरा दिन तो आया नहीं, एक्चुअली उसका तबीयत थोड़ा खराब था। राजा गए उसके घर में, पूछे कि आखिर कितना धनवान हो गया होगा, एक बार जाके पूछो तो सही। जैसे ही राजा गए और पूछने लगे, भाई क्या हाल है? तो राजा जी मैं आया हूँ, जब से तब से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, कल से मैं काम करने आ जाऊंगा। राजा बोलते, तरबूज खाया? वो क्या है, तरबूज आपने दिया था बहुत अच्छा लगा मुझे, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन तरबूज भूख नहीं थी तो मेरा दोस्त मिला, वो बहुत भूखा था तो उसको दे दिया। राजा क्या कहे, और भी गुस्सा आया। राजा फिर वहां से आ गए और सोचने लगे, सचमुच जिसके भाग्य में कुछ नहीं है उसको हम कितना भी कर लें, और वो व्यक्ति अगर कर्म करना नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। यहां कहने की बात यह है कि जब हमें बाबा कहते हैं कि ये करना है, लेकिन अगर हम उस करने में दृढ़ता नहीं लाते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है, हमारे कर्म नहीं बदलते हैं। तपस्या करना वरना करना, मुरली सुनना वरना सुनना, ये दृढ़ता जब तक हमारे अंदर नहीं आई तो हमारे मन के विचार और कर्म बदलेंगे नहीं, और कर्म नहीं बदलेंगे तो हम सुख कैसे भोगेंगे, शांति कैसे पाएंगे। इस दुनिया में लोग दुख पा रहे हैं तो हम भी दुख पा रहे हैं, लेकिन सभी के साथ जिसने पुरुषार्थ किया वो चमकता है, वो महकता है, वो आगे बढ़ता है। इसलिए परमात्मा के महावाक्यों को हम सुनते हैं ताकि हमारा कर्म बदल जाए। और सबसे पहले तो बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मीठे बच्चे माना हमेशा मुस्कुराना, हमसे मीठे बच्चे बन जाएं, और कोई भी परिस्थिति कुछ भी हो जाए हमें मुस्कुरा के हर कर्म करना है, तब हमारी कर्म सुकर्म श्रेष्ठ कर्म, कर्म कुंदन बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, और हमारे भाग्य भी श्रेष्ठ बनेगा, और हम सुख की दुनिया में जो आ रही है दुनिया उसमें हम जरूर जाएंगे और अपार सुख भोगेंगे। तो उसके लिए अभ्यास करें कि मैं परम पवित्र आत्मा इस शरीर के अंदर, इस शरीर रूपी मंदिर में पवित्रता का वाइब्रेशन फैला रही हूं, मैं आत्मा अपने संकल्प से पूरी दुनिया को पवित्र बना रही हूं। चलिए इसका अभ्यास करेंगे, और मुरली जितना ध्यान से सुनेंगे उतना हमारा जीवन उत्कृष्ट महान बनता जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।